स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बेस्ट टेक एंड नाटक एजुकेशन चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फिफ्थ सेमेस्टर की जो सेकेंड बुक है वो आपकी है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन जो बुक है इसमें इसमें कौन कौन से लेसन होते हैं और किस किस लेसन में हमको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। और सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को मैं बता दूँ कि मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें आपके फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ और सिक्स इन सभी सेमेस्टरों में कौन कौन सी बुक किस किस सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है इसके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो फिलहाल जिन जिन लोगों को आवश्यकता हो यानी जिन जिन लोगों को पता ना हो कि हमको किस सेमेस्टर में क्या पढ़ना है तो वो उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। मैंने उस वीडियो को इंफॉर्मेशन वाले प्लेलिस्ट में ऐड किया है तो आप इंफॉर्मेशन प्लेलिस्ट के इंफॉर्मेशन ग्रुप में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप फिफ्थ सेमेस्टर में कौन कौन सी बुक हैं और कौन कौन सी बुकें जो है आपको डीपली पढ़ना है, ठीक है, और कौन कौन सी बुक जो है आपको सिर्फ सिंपली पढ़ना है, ठीक है। उसमें मैंने आप लोगों को सारी चीजें जो है डिटेल में बताई है तो आप लोग वहाँ पे जाके पूरा जो बुक का डिटेल्स है वो देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर की और फिफ्थ सेमेस्टर में मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट जो सब्जेक्ट था वो आपका वो मशीन आपका सेकंड था तो मशीन सेकंड के जो वीडियो है मैंने वो अपलोड कर दिए हैं और ये इस वीडियो में जो हम लोग बात कर रहे हैं स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के बारे में, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि स्विच गियर एंड जो प्रोटेक्शन होता है इसमें जो है कौन कौन से लेसन आते हैं और किस लेसन में हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसके पहले मैं आप लोग बता दूँ कि जो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन बुक है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मशीन भी बुक आपके लिए, मशीन जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सेकेंड बुक है जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी कि फर्स्ट पे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सेकेंड नंबर पे जो है आपका मशीन, ठीक है। और स्विच गियर जो होते हैं आपके कई सब्जेक्टों के बाद आते हैं लेकिन ये भी इससे भी जो है आपके क्वेश्चन ज्यादातर जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इस बुक को भी आप जितना हो सके उतना डीपली पढ़िए, ठीक है, क्योंकि इसको अगर आप पढ़ते हैं तो इससे आपका जो कंपटीशन बेस है वो आपका मजबूत होगा, ठीक है। अब मैं आपको प्रयास करूंगा कि हर चीज को जो है डीपली बताओ, ठीक है। तो आप लोग इस बुक को भी डीपली पढ़िएगा और प्लस आपकी जितनी भी बेसिक चीजें कमजोर है उसको आप जो हमारे लेक्चर्स पढ़ रहे हैं आप वो लेक्चर्स देख के मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका मशीन अगर बेस कमजोर है तो आप मशीन के स्टार्टिंग से वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। स्विच गियर के जो अगर आपका स्विच गियर कमजोर है तो आप स्विच गियर भी देख सकते हैं और ऐसा नहीं है कि अगर आप थर्ड ईयर पास आउट हो जाते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए काम नहीं आएगा, बल्कि जब आप अगर तैयारी करने जाते हैं तब भी आपको वहाँ यही सब चीजें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। हो सकता है इससे वहाँ पे थोड़ी कम बताया जाए और हो सकता है इससे वहाँ पे थोड़ा कुछ ज्यादा भी बताया जाए, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि इससे वहाँ पे कुछ अलग बताया जाए, ठीक है, लेकिन बताई जाएंगी यही चीजें, सारी चीजें आपकी यही बताई जाएंगी। अगर आप इस चीज को यहाँ तैयार कर लेते हैं तो वहाँ आपके लिए जो ओवरलोड होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। बस वहाँ पे जो आपकी नई चीजें बताई जाएंगी वही आपको ग्रहण करना होगा और फिलहाल मैं इसमें अधिक से अधिक जो चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और प्लस मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं वो भी आपके जल्द ही पढ़ने वाले हैं, जो जेई में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यानी कि जो जितने भी इलेक्ट्रिकल जेई के क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चनों का जो है प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करेंगे और प्लस जो है उन क्वेश्चनों का जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों का वीडियो जो है आप लोगों का अलग पड़ेगा क्योंकि आज से जो है सारे लेक्चर्स स्टार्ट हो चुके हैं और मेरे पास जो है सारी सुविधाएं भी उपलब्ध हो चुकी हैं। तो चलिए हम लोग पहले इस वीडियो में जो मकसद से वीडियो बनाया गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो बुक है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हर चैप्टर जो है आप इसका डीपली पढ़िए, ठीक है, और खास कर से डायग्राम पे आप भले ध्यान मत दीजिए क्योंकि इसका डायग्राम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन इसकी जो बेसिक्स थ्योरी है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये जो थ्योरियां हैं इसे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन उठा के आपके एग्जाम में दिए जाते हैं जबकि कम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम होते हैं, ठीक है। तो आप उन बेसिक चीजों को जो है अपने अंदर बिठाते चलिए और प्लस जो जो बेसिक चीजें आएंगी मैं उनको मैं पढ़ाते समय बोलते जाऊंगा कि हाँ ये चीजें जो है एग्जाम में आपके जो कम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें आती जाती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो हमारा स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन है तो इसका मतलब यह है कि इस बुक में आप लोगों को ऐसी चीजों के बारे में पढ़ता है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब होता है रक्षा, यानी कि जो हमारी पावर सिस्टम होता है पावर संचरण लाइनें होती हैं उनको जो है सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ वैद्युत डिवाइसें बनाई गई हैं, ठीक है। तो उन्हीं डिवाइसों के बारे में जो है हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। वैद्युत स्विच गियर, स्विच गियर का मतलब यही होता है कि इन्हीं सारे डिवाइसों का जो है वो कॉम्बिनेशन होता है और प्रोटेक्शन मतलब किस तरह से उसको रक्षा प्रदान किया जाए।
तो सारे डिवाइसों के बारे में पढ़ना है, प्लस जो हमारा पावर संचरण लाइनें होती हैं उसको किस तरह से सुरक्षा प्रदान किया जाए, ये सारे जो नॉलेज है वो हमको इस बुक में पढ़ना है। फिलहाल देखते हैं इसमें कौन कौन से लेसन है। देखिए जो आपका स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन है, इसको आपको दो सेक्शन में विभाजित कर दिया गया, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है, दो सेक्शन में विभाजित कर दिया गया। पहला आपका है सेक्शन ए और सेकेंड जो है आपका सेक्शन बी है, ठीक है। तो सेक्शन ए जो आपका है यहाँ पे सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन फर्स्ट में जो है आपके टोटल 7 लेसन आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। सेक्शन ए में टोटल आप लोगों को 7 लेसन पढ़ने हैं, जिसमें आप लोगों का पहला लेसन है वैद्युत प्रदोष, वैद्युत प्रदोष यानी कि इलेक्ट्रिक फॉल, ठीक है। पहला लेसन आपका क्या है, वैद्युत प्रदोष, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फॉल। इलेक्ट्रिक फॉल में हमको क्या क्या पढ़ना है कि जो हमारे पावर संचरण लाइनें होती हैं उसमें कौन से कौन कौन से फॉल्ट उत्पन्न होते हैं, यानी कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, और वो सारे दोष उत्पन्न होने के कौन कौन से कारण होते हैं, ठीक है। और अगर किसी प्रकार का प्रदोष उत्पन्न हो जाता है संचरण लाइनों में या पावर संचरण लाइनों में, तो उस प्रदोष को हम किस प्रकार से दूर करें, ये सारी चीजें प्लस उससे रिलेटेड छोटी छोटी जो वर्ड्स हैं उनके बारे में जो यहाँ पे डिफिनेशन दिए गए हैं, तो उन सारी चीजों के बारे में जो है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फॉल्ट में, ठीक है। उसके बाद आपका आता है लेसन नंबर 2, स्विच तथा आइसोलेटर, ठीक है। स्विच तथा आइसोलेटर इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, स्विच क्या होता है और उसके बाद आइसोलेटर क्या होता है। अब स्विच के जो डिप्ली नॉलेज और आइसोलेटर का डिप्ली नॉलेज हम लोग लेसन के अंदर ही पढ़ेंगे, फिलहाल बस इतना जानेंगे कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो स्विच तथा आइसोलेटर तो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है कि स्विच होता क्या है और स्विच के कौन कौन से टाइप्स है, ठीक है। उन सभी टाइप्स के जो स्विच है उन सभी टाइप के स्विचों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद स्विच को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, और उसके बाद स्विच का जो है कहाँ कहाँ पे किस स्विच का प्रयोग किया जाता है, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है आइसोलेटर, आइसोलेटर में भी सेम यही चीज पढ़ना है कि आइसोलेटर होता क्या है और आइसोलेटर के कौन कौन से टाइप्स है, आइसोलेटर को किन किन भागों में वर्गीकृत किया गया है। कई सारे आपके आइसोलेटर हैं जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, यानी आइसोलेटर के टाइप्स के बारे में हमको अलग अलग प्रकार के आइसोलेटरों के बारे में पूरा डीपली जो है पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद जो है आइसोलेटर का हम उपयोग कहाँ करते हैं, ये सारी चीजें जो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, स्विच तथा आइसोलेटर। उसके बाद आपका आता है संघर्ष तथा फ्यूज। यहाँ पे एक बात आप लोगों को ध्यान देने की बात है, आपका एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन आ जाता है, और यहाँ पे जो संघर्ष होता है तथा फ्यूज, तो यहाँ पे जान जाएगी जो फ्यूज होता है उसी का जो नाम है उसको हम संघर्ष भी बोलते हैं। फ्यूज का जो सेकेंड नाम है वो हमारा क्या है, संघर्ष है, ठीक है। तो अभी तक शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि संघर्ष को हम क्या बोलते हैं, फ्यूज बोलते हैं। तो यहाँ पे आप जान जाइए कि जो हमारा फ्यूज होता है उसको हम संघर्ष भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, कि लेसन नंबर 4 में हमको पढ़ना है संघर्ष के बारे में, अर्थात फ्यूज के बारे में, कि फ्यूज होता क्या है, ठीक है, और फ्यूज के टाइप कौन कौन से होते हैं, फ्यूज को किन किन भागों में वर्गीकृत किया गया है, हर टाइप के फ्यूज के बारे में हमको एकदम पूरी तरीके से विस्तार से पढ़ना है, प्लस किस टाइप का जो फ्यूज होता है उसका कहाँ प्रयोग किया जाता है और कहाँ प्रयोग नहीं किया जाता है, फ्यूज के आपके लाभ क्या होते हैं, फ्यूज के आपके हानियां क्या होती हैं, इन सारी चीजों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है और संगलक यानी कि फ्यूज चैप्टर में लेसन नंबर 3 में, ठीक है। यानी फर्स्ट लेसन आप लोग क्या है, वैद्युत प्रदोष, सेकेंड नंबर आपका स्विच तथा आइसोलेटर, और थर्ड नंबर आपका है फ्यूज, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सर्किट ब्रेकर, ठीक है। लेसन नंबर 4 आपका है सर्किट ब्रेकर, और इसको हम एक अदर नाम है परिपथ वियोजक के नाम से भी जानते हैं। तो जो आपके एग्जाम्स होते हैं इसमें ये दो नामों से पूछ देता है, कभी कभी पूछ देता है कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है, पूरा इंग्लिश में लिख के पूछ देता है सर्किट ब्रेकर क्या होता है, या फिर हिंदी में लिखता है परिपथ वियोजक क्या होता है, ठीक है, दोनों नामों से दे देता है। तो आप नामों में भी डिफरेंस जानते रहिए। तो ये यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना है कि जो सर्किट ब्रेकर होता है वो आपका होता क्या है, सर्किट ब्रेकर मतलब कैसे प्रचालित होता है, सर्किट ब्रेकर में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इसको किन किन भागों में वर्गीकृत किया गया है, और कई सारे टाइप्स जितने भागों में उसको वर्गीकृत किया गया होगा उन सभी सर्किट ब्रेकरों के बारे में हम लोगों को अलग अलग विस्तार से पढ़ना है, प्लस सर्किट ब्रेकर का आपका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं रच्ची रिले। रिले आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि ड्राइंग जो है आप लोग ड्राइंग पढ़ रहे थे, तो ड्राइंग में आप लोग को जरूर पता होगा कि रिले होता क्या है, ठीक है, क्योंकि जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे उसमें रिले और कंडक्टर ये दोनों चीजें थी। तो अगर आप लोगों का सिर्फ यही आदत है कि आप लोग सरल पढ़ते हैं, पूरा डिप्ली नॉलेज देते नहीं, तो मुझे लगता है कमी आप लोगों को चांस होगा कि पता होगा रिले होता क्या है। तो फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इस चैप्टर में हम लोग पूरा रिले के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे,
रिले होता क्या है, रिले कार्य कैसे करता है, रिले के कितने टाइप्स होते हैं, रिले को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, हर टाइप्स के रिले के बारे में पढ़ेंगे, उनका प्रचालन सिद्धांत क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, रिले का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, रिले के लाभ क्या होते हैं, रिले के हानियां क्या होती हैं, इन ऐसे सारी चीजें जो है विस्तार से रिले के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो आपका आता है लेसन नंबर 6, रिले की संरचना तथा प्रचालन सिद्धांत। रिले की संरचना यानी कि रिले किस तरीके से बना गया है और प्लस वो किस तरीके से कार्य करता है, तीन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 में, ठीक है, रिले की संरचना तथा प्रचालन सिद्धांत। और उसके बाद है लेसन नंबर 7 आपका वैद्युत रक्षी योजना है। वैद्युत रक्षी योजना का मतलब ये होता है कि अगर आपके जो पावर सिस्टम है यानी कि जो वैद्युत संचरण लाइनें है या फिर कोई पावर डिवाइस है यानी कि विद्युत डिवाइस है उसमें अगर किसी तरह का फॉल्ट उत्पन्न हो जाता है तो उसको दूर करने के लिए हम कौन कौन सी योजना बनाते हैं, उन योजनाओं के बारे में आप लोगों को पढ़ना है वैद्युत रक्षी योजना में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लेसन नंबर 7 पर जो आपका सेक्शन 1 जो होता है, सेक्शन फर्स्ट जो होता है वो समाप्त हो जाता है। तो सेक्शन फर्स्ट में हमको टोटल 7 लेसन पढ़ने हैं, पहला वैद्युत प्रदोष यानी कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, दूसरा स्विच तथा आइसोलेटर, और तीसरा नंबर पे है संगणक तथा फ्यूज, और फोर्थ नंबर पे है सर्किट ब्रेकर या फिर परिपथ वियोजक, पांच नंबर पे है रक्षी रिले के बारे में पढ़ना है, सिक्स नंबर पे है रिले की संरचना तथा प्रचालन सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, और 7 नंबर पे पढ़ना है वैद्युत रक्षा योजना है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे चालू होता है सेक्शन नंबर 2, यहाँ पे जो है आपका चालू होता है सेक्शन नंबर 2, और पूरा सेक्शन नंबर जो 2 है इसमें टोटल हम लोगों को 9 लेसन पढ़ने हैं, यानी कि इसमें आपके 2 लेसन बढ़ गए हैं। इसमें कुछ लेसन आपके ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम उन लेसन को जब विस्तार से पढ़ेंगे तो उन लेसन को हम निग्लेक्ट कर देंगे, जो बिल्कुल काम के लिए नहीं है, जो ना आपके भविष्य के लिए काम में आएगा, ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम में आएगा, और ना आपके जो आप ये एग्जाम दे रहे हैं पॉलिटेक्निक का एग्जाम इसमें काम आएगा, ठीक है। तो उन सारी चीजों को हम लोग क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, यानी कि जो एकदम अर्थहीन है उसको हम लोग क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसमें कुछ लेसन ऐसे हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को लेसन पढ़ाते समय बताऊंगा जब उनका नंबर आएगा तो, ठीक है। तो फिलहाल अभी इसमें देखते हैं सेक्शन नंबर 2 में क्या होता है कि हमको ऐसे पढ़ना है कि विभिन्न जो डिवाइसेस होती है, वैद्युत जो डिवाइसेस होती है उनको किस तरह से रक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें अलग अलग डिवाइसों के रक्षण के हिसाब से इसमें अलग अलग लेसन आपको बना दिए गए हैं। जैसे में लेसन नंबर 1 में प्रत्यावर्तकों का रक्षण, प्रत्यावर्तक यहाँ पे आपका आया प्रत्यावर्तक, और प्रत्यावर्तक आप लोगों को पता होगा किसे कहते हैं, क्योंकि अगर आप लोग अब मशीन डिग्री पढ़ते होंगे तो इसमें आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि एसी जनरेटर क्या है, अल्टरनेटर क्या है, और आपका प्रत्यावर्तक क्या है, ठीक है। तो ये तीनों नाम जो है एक ही चीज के हैं, एक ही डिवाइस के हैं, या आप उसको एसी जनरेटर कहें या फिर प्रत्यावर्तक कहें, ठीक है, तो या फिर आप उसको अल्टरनेटर कहें, ठीक है। तीनों नाम जो है एक ही है, अल्टरनेटर, एसी जनरेटर और प्रत्यावर्तक। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो अल्टरनेटर होता है उसको किस तरह से सुरक्षा प्रदान किया जाता है, यानी उसमें कौन कौन सी योजनाएं हम बनाते हैं कि अगर किसी प्रकार का फॉल्ट उत्पन्न होता है वैद्युत शक्ति प्रणाली में तो हमारा जो डिवाइस है यानी जो जनरेटर है वो सुरक्षित रहता है, उस पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकंड लेसन पे शक्ति पैडा मित्रों का रक्षण। शक्ति पैडा मित्र भी आपका यहाँ पे अदर नाम है, क्योंकि आप लोग हमेशा ट्रांसफार्मर रखते रहते हैं तो ट्रांसफार्मर का ही आपका सेकंड नाम है, हिंदी नाम है पैडा मित्र, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है पावर ट्रांसफार्मर, यानी कि जो पावर सिस्टम में यूज ट्रांसफार्मर किए जाते हैं उनको हम किस तरीके से सुरक्षा प्रदान करें कि पावर सिस्टम में अगर किसी प्रकार का कोई फॉल्ट उत्पन्न हो जाता है तो आपके जो ट्रांसफार्मर में कोई प्रभाव नहीं पड़े, ठीक है। ये सब सुरक्षाएं इसलिए प्रदान की जाती है क्योंकि ये डिवाइसें इतनी महंगी होती हैं कि अगर विद्युत फॉल्ट तो लगभग बार बार उत्पन्न होते रहते हैं तो अगर इनको सुरक्षा न प्रदान किया जाए तो ये बार बार जो होंगे खराब हो जाएंगे, तो बार बार जो इनको पैसा खर्चा करना पड़ेगा, तो इसलिए इनको सुरक्षा प्रदान कर दिया जाता है। सुरक्षा में थोड़ा खर्चा जो है कम आता है, तो इससे क्या होती है आपकी डिवाइसें सुरक्षित रहती है, इनकी जलती नहीं है और हमको बार बार पैसा नहीं लगाना पड़ता है, तो इसीलिए आपके जो रक्षण इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और डिवाइसों का जो है रक्षण करना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं थर्ड नंबर पे मोटर का रक्षण। मोटर आप लोग जानते हैं ये मोटर क्या होता है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मोटर को किस तरीके से सुरक्षा प्रदान किया, यानी कि कौन कौन सी योजनाएं मोटर में लगाएं जिससे कोई भी आपका वैद्युत फॉल्ट उत्पन्न हो तो मोटर पे कोई प्रभाव ना पड़े, यानी कि मोटर जले ना, ठीक है। उसके बाद है कोशिकाओं का रक्षण। कोशिकाओं का रक्षण आपका है फोर्थ नंबर लेसन कोशिकाओं का रक्षण। और ये आप लोग जानते होंगे कि फीडर आपका होता क्या है, फीडर को ही हम पोषक बोलते हैं,
और इन सारी चीजों के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि फीडर होता क्या है, क्योंकि आप सभी चीजें जो है पढ़ चुके हैं, और नहीं पढ़े हैं तो मैं लेसन जब स्टार्ट करूंगा तो उसमें आप लोगों को डीपली बताऊंगा, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि डिप्लोमा के स्टूडेंट जो है पढ़ाई किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ है पोषकों का रक्षण। तो इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पोषक यानी जो आपके फीडर होते हैं, सिंपल यहाँ पे समझ लीजिए कि बस ये आपके चालक तार होते हैं। ठीक है, तो ये जो फीडर आपके होते हैं यानी जो चालक तार होते हैं उनका जो रक्षण होता है वो किस तरीके से किया जाए, यानी फीडर पे कौन कौन सी रक्षण योजनाएं बनाए ताकि जो है इनको हम सुरक्षित कर सके, इसमें जो हमारे बार बार जो तार है वो गले ना। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अधिवोल्टताओं के विरुद्ध रक्षण। अधिवोल्टता का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक वोल्टेज। ठीक है, कोई जो डिवाइस है जो मान लीजिए कोई बड़ी शक्ति प्रणाली है उसमें अगर वोल्टेज आपका लिमिट में है तो डिवाइसेस सही तरीके से काम करती है, लेकिन अगर अचानक में वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो सारी डिवाइस आपकी क्या हो जाती है, जल जाती है। तो अधिवोल्टता अगर स्थापित होती है तो उससे हम किस तरीके से रक्षण प्रदान करें डिवाइसों को, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे अधिवोल्टता के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हमारा पांचवा लेसन था। उसके बाद अगला लेसन है 6 नंबर के वैद्युत उपकेंद्र। वैद्युत उपकेंद्र आप लोग जानते हैं वैद्युत सब स्टेशन जहाँ से जो है लाइनों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत उपकेंद्र होता क्या है, वैद्युत उपकेंद्र कितने भागों के मतलब उसके कितने टाइप्स होते हैं, इंडोर सब स्टेशन क्या होता है, आउटडोर सब स्टेशन क्या होता है, और इसमें जो हमारा वैद्युत उपकेंद्र होता है उसमें कौन कौन सी डिवाइसें लगी होती हैं, और इसके चयन के लिए हमको क्या क्या प्रोसेस अपनाना पड़ता है, ये सारी चीजें जो हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत उपकेंद्र के अंतर्गत। प्लस इसके कुछ डायग्राम है वो डायग्राम भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है प्रतिघात एवं रिएक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रतिघात क्या होता है, रिएक्टर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें जो है इसके मतलब इसका उपयोग क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 7 में। ठीक है, उसके बाद अर्थिंग। अर्थिंग के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंडिंग या फिर स्टैंडिंग नाम है भूसंपर्कन। और अर्थिंग के बारे में मैंने विस्तार से आप लोगों को ड्राइंग में बता दिया है, या उससे विस्तार इसमें नहीं है, लेकिन इसमें जो है आप लोगों को अर्थिंग जो है उसमें बेसिक चीजें वो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। और अगर आप लोग अर्थिंग के बारे में जानते नहीं है तो मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि आप लोग ड्राइंग में ड्राइंग के जो सेक्शन है उसमें जाए और उसमें अर्थिंग से रिलेटेड जो वीडियो है वो पूरी देख लें। ठीक है, तो आप लोगों को अर्थिंग के बारे में डीपली नॉलेज हो जाएगा कि अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग कैसे लगाते हैं, अर्थिंग के लाभ क्या है, अर्थिंग की हानियां क्या है, अर्थिंग पे किस किस चीज का प्रभाव पड़ता है, कैसे उसका रेजिस्टेंस करें, कैसे उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, सारी चीजें जो है उसमें डीपली बताई गई है। ठीक है, और फिलहाल उसके बाद जो यहाँ भूसंपर्क में हमको ये पढ़ना है कि जो हमारी वैद्युत पावर डिवाइसेस होती है उनको हम किस तरीके से भूसंपर्कित करें। ठीक है, इसमें हम पावर डिवाइसों को भूसंपर्कन कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ना है। तो भूसंपर्कन के यहाँ टाइप्स होते हैं आपके, चार टाइप्स होते हैं, ठोस भूसंपर्कन, प्रतिरोध भूसंपर्कन, प्रतिघात भूसंपर्कन और भूसंपर्कन और विभव परिणामित भूसंपर्कन। तो इन चार टाइप्स से हम किस तरह से डिवाइसों को भूसंपर्कन करते हैं, किस तरह से अर्थिंग करते हैं, ये सारी चीजें जो है हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 8 में। ठीक है, उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है लेसन नंबर 9, इससे जो आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, SF6 गैस विद्युत उपकेंद्र। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि SF6 विद्युत उपकेंद्र होता क्या है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस इसको बोलते हैं, SF6 यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस। सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस का जो प्रयोग होता है वो इंसुलेटर में जो आपके विद्युत सब स्टेशन होते हैं उसमें जो डिवाइसेस प्रयोग की जाती है उनमें क्या हो जाता है, उनको विद्युत रोधन प्रदान करने के लिए जो है SF6 गैस का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि SF6 गैस जो विद्युत रोधन केंद्र होता है वो होता क्या है, उसमें SF6 गैस जो है SF6 गैस प्रयोग करते हैं तो क्यों प्रयोग करते हैं, उसके लाभ क्या होते हैं, उसके हानियां क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल देखते हैं सेक्शन नंबर 9 में कितने, सेक्शन नंबर 2 में कितने लेसन है। सेक्शन नंबर 2 में आपके टोटल 9 लेसन है, जिसमें आपका पहला लेसन है प्रत्यावर्तकों का रक्षण यानी प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर। सेकंड नंबर पे शक्ति परिणामित्रों का, शक्ति परिणामित्रों का रक्षण यानी प्रोटेक्शन ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। और थर्ड नंबर पे मोटर का रक्षण यानी प्रोटेक्शन ऑफ मोटर। फोर्थ नंबर पे पोषक का रक्षण यानी प्रोटेक्शन ऑफ फीडर। और उसके बाद पांच नंबर पे अधिक वोल्टताओं के विरुद्ध रक्षा, ठीक है, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ ओवर वोल्टेज। और उसके बाद वैद्युत उपकेंद्र, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन। और सात नंबर पे आपका है आपका प्रतिघात यानी कि रिएक्टर्स क्या होते हैं। और आठ नंबर पे आपका भूसंपर्कन यानी कि अर्थिंग क्या होता है, इसको ग्राउंडिंग भी बोलते हैं। नौ नंबर पे आपका SF6 गैस विद्युत रोधी उपकेंद्र, ठीक है, यानी कि SF6 इंसुलेटेड सब स्टेशन। इन सारे चीजों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो फिलहाल अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो आप लोगों को बुक पढ़नी है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, इसमें कौन कौन से लेसन्स होते हैं, क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, और आप लोग चैनल के साथ जुड़ते जाइए और शेयर लाइक करते जाइए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए और ताकि आपके पास जो है नोटिफिकेशन वीडियो के पहुंचते रहें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।